हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं फिर से आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक नई जी कैम की वीडियो जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो नया जी कैम आया हुआ है जो कि हमारा जी कैम 7.4 वर्जन 4। सो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें नई है। तो इसमें क्या नया आया है, तो इसमें नया आया है आपका, आप इसमें मैनुअल फोकस भी कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने वीडियो का बिट रेट भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अपने मैं फ्रेंड मेघराज ब्रो को शाउट आउट देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने बताया था जी कैम के बारे में, जिसके बारे में ये वीडियो है। और काफ़ी अच्छा जी कैम है ब्रो, और काफ़ी मतलब मस्त फोटो खींच रहा है और ये वीडियो बहुत ही अच्छी बनी है। सो शाउट आउट टू यू। एंड ये भाई का मैंने आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो करना करो भाई के साथ। सो अभी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया इसमें क्या क्या नया आया हुआ है, और एक इसमें 4K 24 FPS में भी आप शूट कर सकते हैं, वो भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, वो भी एक नई चीज़ आई हुई है। और साथ के साथ आपको मैं इसकी सेटिंग्स बता दूँ, जब भी आप एक जी कैम इंस्टॉल करें तो ये सेटिंग्स आप ज़रूर करें जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना HDR का मैनुअल कंट्रोल ऑन कर देना है। और आपको मैं पहले बोलता था कि आप अपना पोर्ट्रेट जो जूम होता है उसको इनेबल कर दीजिए, मतलब वो डिसेबल हो जाता है वैसे इनेबल करने के बाद, पर उसको आप ना ही छेड़े तो बढ़िया है। 1.5x जूम होता है, मेरे हिसाब से कुछ ऐसा है कि गूगल का जो एल्गोरिदम है वो 1.5x जूम करने के बाद ही अच्छा चलता है, तो आप उसको डिसेबल ना करें, उसको इनेबल ही रहने दें। और साथ के साथ आपको मैं बता दूं कि जो HDR के फ्रेम्स है उसको आप 15 पर रख दीजिए, जो कि मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लेता वो, और मतलब फोटोज़ भी अच्छी आती हैं। और साथ के साथ आपको मैं लिप पैचर की सेटिंग्स बता दूं, तो ये है मेरी लिप पैचर की सेटिंग्स। तो मेरा जो टेस्ट है फोटोज़ का वो है थोड़ी जो शार्पनेस ज़्यादा हो, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा हो, मतलब थोड़ा जो सैचुरेशन है मैं थोड़ा सा ज़्यादा पसंद करता हूँ, मेरे को थोड़ी आईफोन लुक की फोटोज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। सो मैंने सैचुरेशन थोड़ा बढ़ाया और शार्पनेस भी बढ़ाई हुई है। सो आप ये अगर आपको मेरे जैसा टेस्ट पसंद है तो आप ये लिप पैचर की सेटिंग्स पेस्ट कर सकते हैं अपने पे, और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम सैंपल्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए फ्रंट कैमरा के सैंपल्स। सो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खतरनाक डायनेमिक रेंज है इस फोटो में, और काफ़ी ज़्यादा क्लियर फोटो है, काफ़ी ज़्यादा शार्पनेस देख सकते हैं आप। मेरी दाढ़ी के एक एक बाल दिख रहा है इसमें, जो कि मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग लगा। इतनी ज़्यादा शार्पनेस मुझे सिंपल जो हमारा स्टॉक कैमरा उसमें भी देखने को नहीं मिलती, जबकि उसमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा है वो, मतलब एक शूट करता है वो 32 मेगापिक्सल से फोटो लेता है, बट तभी भी इतनी अच्छी मतलब आपको देखने को नहीं मिलती शार्पनेस। और साथ के साथ आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट मोड में HD डायरेक्शन एकदम टॉप नॉच है, एकदम मतलब हल्की सी भी HD डायरेक्शन में कोई भी कमी नहीं है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी फोटो लगी मुझे। डायनामिक रेंज इस फोटो में भी काफ़ी अच्छी है, 1.5x जूम है, आप देख सकते हैं पहली फोटो ये रही है और ये पोर्ट्रेट मोड वाली 1.5x जूम है, जिससे मतलब एक अच्छा सा एंगल भी देखने को मिलता है, थोड़ा सा जूम होता है तो एंगल भी अच्छा देखने को मिलता है साथ के साथ, और एल्गोरिदम भी मेरे हिसाब से अच्छा काम करता है। बैक कैमरा की फोटोज़ के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं ये नॉर्मल फोटोज़ है, ये मैंने मतलब जो हम डे टू डे लाइफ में खींचते रहते हैं फ्लावर्स वगैरह की चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स की और स्काई वगैरह की, जो हम शाम को रोज बैठ जाते बादलों की फ़ोटो खींचने, और ये वो फोटोज़ हैं। और ये है पोर्ट्रेट फोटो, ये पोर्ट्रेट फोटो का प्लीज़ जज मत करने का, मेरे पास और कोई था ही नहीं जो मेरी पोर्ट्रेट फोटो खींचे, इसलिए मैंने अपने कैमरे को ऐसे उल्टा करके खुद ही खींची हुई है। बट आप देख सकते हैं जो हमारा डायनामिक रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और जो हमारी HD डायरेक्शन है पोर्ट्रेट मोड की वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और आप क्लैरिटी तो देख ही सकते हैं कितनी शार्पनेस कितनी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि हमने लिप पैचर में शार्पनेस बढ़ाई हुई है, आप देख सकते हैं। नाइट साइट की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप देख सकते हैं नाइट साइट में मैंने काफ़ी सारी फोटोज़ खींची हुई है, ये देखिए। और साथ के साथ आपको मैं बता दूं कि इस फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एयरटेल दिखने को मिल रहा है, बट मेरे को अपनी खुद की आंखों से यहाँ पे एयरटेल देखो, जो हमारी डिश है यहाँ पे मेरे को खुद की आंखों से एयरटेल नहीं दिख रहा था, बट मैंने जब फोटो खींची तो फोटो में एयरटेल आपको दिख रहा है, जो कि काफ़ी औसम बात है। और आप एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फोटो मतलब आती है इससे। सो मेरे पास एक ट्राइपॉड तो नहीं है जो कि ऊपर को फेस करता हूँ, तो मैंने अपनी दो ईंटें ली, उस पर मैंने फ़ोन को टिल्ट करके रख दिया, तो ऐसी फोटो आई है, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा औसम फोटो आई है, और काफ़ी मतलब आप स्टार मेरे को दो ही दिख रहे थे और दो ही फोटो में भी आए हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छी, थोड़े से बादल हो रहे थे इसलिए मुझे दो ही स्टार दिख रहे थे, तो काफ़ी अच्छी फोटो आई है। और ये आप फोटो कह नहीं सकते एक फ़ोन से खींची हुई, अब मतलब बहुत ही मस्त फोटो आई है। वीडियोग्राफी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं हम इसमें 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS, मैंने आपको दो सैंपल दे देता हूँ, मैं ये पहले 1080p 30 FPS पे चल रही है, और काफ़ी अच्छी क्लैरिटी है, बेटर देन स्टॉक एंड्रॉयड क्लैरिटी है। बट आपको बता दूं कि इसमें जो हमारा स्टेबलाइजेशन है वो काम नहीं करता है, कोई भी गूगल कैमरा में हमारा स्टेबलाइजेशन काम नहीं करता है, ऐसा क्यों है मेरे को नहीं पता, बट नहीं कर रहा काम तो नहीं कर रहा, अब कुछ कर नहीं सकते। अगर आपको स्टेबलाइज्ड वीडियो चाहिए तो आप मतलब इसी वीडियो को आप गूगल फोटोज में जाकर स्टेबलाइज कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा स्टेबलाइज चाहिए तो अपने स्टॉक कैमरा से वीडियो खींचिए, उसके भी वीडियो काफ़ी अच्छी है। बट आपको बता दूं डिटेल्स और डायनामिक रेंज जी कैम की वीडियो की ज़्यादा अच्छी है। स्लो मोशन की बताओ तो हमारे दोनों स्लो मोशन काम कर रहे हैं, हमारा 120 भी और 240 FPS भी काम कर रहा है। सो एक ही मैंने शूट किया 240 FPS वाला,
थोड़ा सा जूम होता है और 720p में हमारा शूट होता है, कोई बात नहीं, काफ़ी अच्छी डिटेल्स और स्लो मोशन काफ़ी अच्छा कैप्चर करता है। और एक और बात की ये स्लो मोशन में साउंड भी रिकॉर्ड करता है, जो हमारा स्टॉक कैमरा है वो साउंड रिकॉर्ड नहीं करता स्लो मोशन में, आई डोंट नो वाई, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये मतलब। सो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा अच्छे सैंपल्स देखने को मिले हमें इससे। और ये पीछे जो पिछले मैंने एक महीने पहले वीडियो बनाई थी Zcam 7.3 से, उससे बेटर है ये फोटोज़ और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे को थोड़ा सा पसीना आ गया। और हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दो, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, वी आर वेरी क्लोज टू आर 750 सब्सक्राइबर्स गोल, और काफ़ी जल्दी होने भी वाला है, जैसे ही होगा मैं आपको बता दूंगा। और साथ ही साथ जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, मैं आपको मतलब जैसे अभी मैंने हाइड किए हुए सब्सक्राइबर्स वो अनहाइड भी हो जाएंगे, तो 1000 सब्सक्राइबर्स बहुत होते हैं, और मतलब अभी मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जैसे 750 होंगे मैं आपको बता दूंगा। सो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय। Are you okay? Yeah, I'm fine. Been trying to get all of you.